आज मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मुंबई में बारिश हो रही है। हमारे तमाम संवाददाता आपने देखे होंगे छाते के साथ दिखाई दे रहे थे, वहां इस वक्त बारिश के बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज का दिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। आसमान से आफत बरस रही है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। ये मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर लगातार बारिश से तमाम तरीके की मुसीबतें मुंबई वासियों के लिए पेश आती हैं, चाहे वो सड़कें पानी से भर जाएं या फिर ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना। तो आज ऑरेंज अलर्ट भारी पड़ सकता है। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है। बेलो रोड की तस्वीर देखिए, ये आरटीओ वडाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी कि ऐसा कहा है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है और ये बारिश तेज रफ्तार से लेकर अब अति तेज रफ्तार से हो सकती है और यही आज मुंबई में देखने को मिल रहा है। ये ऑरेंज अलर्ट फ्राइडे शुक्रवार और शनिवार दोनों के लिए है और आप देख सकते हैं इस वक्त काफी तेज बरसात पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। समुद्र के उस साइड वो शहर का इलाका है जहां पर कि आप जनरली विजिबिलिटी काफी अच्छी होती थी, लेकिन इस वक्त हार्डली कुछ दिख रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है और इसी वजह से तेज रफ्तार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से शहर के अलग अलग हिस्सों में जल जमाव होना हुआ है। कुर्ला और जैसे दूसरे इलाके जहां पर लो लाइंग है और जहां पर अक्सर पानी भरता है उन कुछ इलाकों में थोड़ा सा पानी भरा जरूर है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ विद्या मुंबई आज तक। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आज मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इस वक्त मुंबई में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज का दिन मुंबई वासियों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। आसमान से एक तरीके से मूसलाधार आफत बरस रही है। सावधान रहने की चेतावनी मुंबई वासियों को जारी कर दी गई। तीन तस्वीरें बेलो रोड और आरटीओ वडाला की, जहां पर मूसलाधार बारिश के बीच लोग आवागमन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आज पूरे दिन बारिश रहने की वजह से ढेर सारी दिक्कतें मुंबई वासियों को पेश आए, क्योंकि बारिश का ऑरेंज अलर्ट आज मुंबई वासियों के लिए जारी किया गया है। सुबह से ही मुंबई के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है जिसके चलते जगह जगह जल जमा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के चेंबूर इलाके में। तस्वीर में आप देख सकते हैं चेंबूर इलाके की सड़क बिल्कुल नदी में तब्दील हो गई है। जो गाड़ियां हैं उन्हें आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कितना पानी है, जो छोटी गाड़ियां हैं खासकर वो नहीं पार हो पा रही है। हालांकि जो बस और दूसरी बड़ी गाड़ियां हैं वो पार हो पा रही है, लेकिन छोटी गाड़ियों को देख सकते हैं इसी तरह यहां पर रुकना पड़ रहा है। आपको बता दें मुंबई के कई इलाकों में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई स्कूल में भी लोगों को, जो पेरेंट्स हैं उनको कहा गया कि अगर तेज बारिश होती है तो आप अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जा सकते हैं। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई में अगले 24 घंटे तक इसी तरह तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबईकरों को भी सतर्क रहना होगा। एजाज खान, मुंबई आज तक।